केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2009 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 31 जज काम पर हैं। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संवैधानिक प्राधिकारों से कई स्तरों पर सलाह मशवरा कर मंजूरी लेनी पड़ती है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मामला उठाया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बीते दिनों बांग्लादेश से चलाए जाने वाले एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ बेंगलुरु में किया गया था। ये चिंताजनक है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को कर्नाटक में भी लागू किया जाए, ताकि बेंगलुरु में भी अवैध रूप से चल रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा सके। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। तरुण भनोत ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराब वित्त स्थिति के बावजूद पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार अलगाववादी और दुख्तरान ए मिल्लत प्रमुख आसिया अंद्राबी के घर को सील कर दिया है। अब जांच पूरी होने के बाद तक अंद्राबी इस घर को ना तो बेच सकती है, ना ही इसका व्यवसायिक इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि NIA की पूछताछ में अंद्राबी ने कबूल किया था कि उसने विदेशों से चंदे लिए और उनकी पार्टी दुख्तरान ए मिल्लत घाटी में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का आयोजन करती थी। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नकली ब्रांड का पानी बेचने वालों के खिलाफ रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 300 से अधिक स्थानों पर रेड मारी गई है। इस दौरान 4 पैंट्री कारों के प्रबंधक समेत 800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही 48,860 पानी की बोतलें भी बरामद की गई है। पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया है कि नई सरकार में पाकिस्तानी प्रेस की आज़ादी खतरे में है। बता दें कि हाल ही में पाक के एक न्यूज़ एंकर को खुलेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और इस घटना ने सबको चौंका भी दिया था और इस कारण उन्होंने इमरान खान सरकार को फांसीवादी बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 22 जुलाई को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता आतंकवाद निरोधी अभियान, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। बागपत के कोतवाली बड़ौद क्षेत्र में तालाब में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने ससुराल आया था, जहां सुबह लोगों को तालाब में उसकी लाश मिली। वहीं परिजनों ने अपने दो पड़ोसियों के ऊपर घर बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने एक टप्पेबाज को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने चेन, गांजा और कुछ पैसे भी बरामद किए हैं। बागपत जिले के कोतवाली क्षेत्र में माता कॉलोनी के पास एक 12 साल का बच्चा घायल अवस्था में मिला, जहां उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को CHC अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं।